हिंदुस्तान की आवाम को क्या चाहिए यह समझना होगा। देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, इस पे ध्यान नहीं है। युवा बेरोजगार है, 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, इस पे ध्यान नहीं है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न लगातार हो रहा है, उस पे सरकार खामोश है। आम मुद्दे पर सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ये सरकार हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हम सभी लोग जानते हैं ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश खान अब्दुल गफ्फार खान का देश है, ये देश बिस्मिल का देश है, ये देश हम सभी का देश है। और हम हिंदुस्तानी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। और ये सरकार जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगी, हम भी वापस नहीं होंगे, हम लोग भी डटे रहेंगे। अब एक अपील है आप सभी लोग से, क्योंकि यहाँ पर और भी कुछ वक्ता होंगे, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाते हैं, जहानाबाद के लोग हैं ना पीछे वाले, तो हम लोग के साथ आगे से प्रेशर जो देंगे ना वो प्रेशर कम हो जाए, थोड़ा सा प्लीज। जागरूकता का अभियान चला है, गया से तो पटना तक जा रहा है, और हम लोग का मार्च बिल्कुल शांति मार्च है। हमारा मकसद है कि स्टेट गवर्नमेंट, हमारे जो मुख्यमंत्री है पीछे वाले वीडियो बना, जिस तरह से बाकी स्टेट गवर्नमेंट पास हुआ है, उस तरह से ये भी पास हो, क्योंकि एनपीआर का ध्वजा ढूंढ चुका है। और हमारे केंद्र सरकार, उसको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग को डिस्ट्रैक्ट ना करे, हम लोग को जो असल देश का जो मुद्दा है उस पर लेके आए, क्योंकि ऑलरेडी 16,000 करोड़ खर्च हो चुका है। अगर 28 स्टेट में एनपीआर एनआरसी और सीए होता है तो उसका बजट 55,000 करोड़ है, और देश कभी कभी किस स्थिति से गुजर रहा है ये हम सबको मालूम है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।